तो आज हमारे घर में चल रही थी हल्दी की तैयारी और सुबह में 10 बजे का टाइमिंग था कि हल्दी हो जाना है, बट अभी 12 बज चुके थे और अभी सब कुछ डन नहीं हुआ था। तो थीम था हमारा कि सारे लोग येलो कलर की साड़ियाँ या जो भी कॉस्ट्यूम पहनेंगे और उसके बाद हम लोग हल्दी सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले सबने अपना अपना ड्रेस डिसाइड कर लिया कि क्या पहनना है येलो कलर में, और सब नहा वहा के रेडी हो गए। तो मैंने सोच रही थी कि सब नहा क्यों रहे हैं, हल्दी से तो फिर पीला ही होना है। तो फिर मुझे बोला गया कि आप जाके देख के आने के लिए कि डेकोरेशन कैसा हुआ है। तो मैं गई छत पे देखने के लिए, टेरेस पे ही डेकोरेशन हो रहा था। तो यहाँ पे जो स्टेयर्स का डेकोरेशन है वो तो बहुत खूबसूरत हुआ था, और मेरे साथ साथ मेरी दादी सास जो है वो भी आ रही थी देखने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटर किया, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ही डेकोरेशन हुआ था, जैसा मैं चाहती थी, सब कुछ बहुत खूबसूरत जा रहा था। लेकिन टाइमिंग पार हो रहा था और डेकोरेशन अभी तक डन नहीं हुआ था, ये हल्दी का बैनर, और आज ही मेहंदी भी थी, तो दोनों चीज़ें बैक टू बैक था। तो आज बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला था। तो मैं तो फटाफट से रेडी हो गई कि जितनी जल्दी रेडी होंगी उतना जल्दी सब कुछ स्टार्ट होगा। तो मेरा कुछ लुक इस तरह का था आज के लिए, मैंने येलो कलर की साड़ी और उस पर अपना एक अच्छा सा डिज़ाइनर ब्लाउज पहना था। और मैं सबके लुक्स दिखाती हूँ, सबने बहुत कोशिश किया येलो कलर के पहनने के लिए, तो सब रेडी ही थे। ऑलमोस्ट हल्दी का फंक्शन स्टार्ट ही होने वाला था, तो मेरा काम था कैप्चर करना सबको, और बहुत लेट हो गया था। हम लोग शादी में ऐसा ही होता है, जो भी चीज़ें टाइम पर डिसाइड होती है वो कभी भी नहीं होती है, आप उससे 2 से 3 घंटे लेट ही मान के चलो। इतने सारी बातें होती है, इतनी सारी हंसी मजाक होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे दिनों के बाद सारे लोग मिलते हैं तो सब बिजी रहते हैं, सब बातों करने में बहुत टाइम पास होता है। फिर फाइनली सब लोग आ चुके थे, डेकोरेशन भी डन हो चुका था, सब ने अपना सीट पकड़ लिया था हल्दी की तैयारी के लिए। तो हल्दी का कुछ ऐसा रिचुअल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा हम लोग को थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी टाइप से हल्दी करना था, क्योंकि जो हल्दी की जो मेन फॉर्मेलिटी होती है वो बहुत 2 साल 7 साल पहले मेरी शादी में ही मेरे देवर की भी हो गई थी, इसीलिए बस ये फॉर्मेलिटी फॉर वीडियो शूट के लिए ही हो रहा था। तो बस कुछ अलग नहीं करना था। और अब सब दूल्हे बाबू का इंतज़ार कर रहे थे, और प्रियांश यहाँ अपने दोस्त के साथ बैठ गया था जहाँ दूल्हे बाबू बैठने वाले थे, और वो खेलने लगा था अपने दोस्त के साथ उन पेपर सीजर। तो यहाँ सभी गेस्ट लगभग बाहर से आने वाले जो थे वो भी आ गए थे। यहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी अपने छोटे से बच्चे के साथ, ये भी कंफ्यूज था इधर क्या हो रहा है, और थोड़ा बहुत प्रिया फोटो सेशन चल रहा था। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी साथ ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, अब लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, जिसको आना था वो आ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 10 बजे की थी, 12 बज चुका था। तो पहले हुए दूल्हा बाबू का फ़ोटो सेशन, तो इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है और देना भी पड़ता है, क्योंकि अगर फ़ोटो अच्छी है नहीं आएगी तो हम लोग फोटोग्राफर भैया को ही बोलेंगे कि ऐसी फ़ोटो आई वैसी फ़ोटो आई। तो सबसे पहले मेरी सासू मॉम ने अपने बेटे को हल्दी लगाया, उसके बाद जितने भी बड़े लोग हैं सब, फिर यहाँ मेरा छोटी बुआ सास आ गई थी, वो भी हल्दी लगा रही थी, सब कोई अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे देवर के जो दोस्त लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे इनके साथ पानी वाली हल्दी खेलने का। तो सब कोई पहले तो फोटोग्राफी रीज़न से हुआ, सब कोई नॉर्मल थोड़ा थोड़ा लगा रहा था, और सबकी बारी जितने भी रिलेटिव थे, ज़्यादा कोई इन्वाइटेड नहीं था, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे या शादी में जो आए थे वही थे। फिर मेरी मम्मी गई लगाने के लिए, मेरी मम्मी ने भी बाबू को हल्दी लगाया, तो सब 1 by 1 करके सबने लगा दिया। वैसे तो हमारी बिहारी शादियों में जो हल्दी होता है वो कुछ इस तरह से नहीं होता है, वो दूल्हा या दुल्हन जो भी है बहुत बुरे तरह के कपड़े में बैठे रहते हैं और अजीब तरीके से पूरा भिगा दिया जाता है। तो ये तो बहुत पीसफुल वाली हल्दी हो रही थी, क्योंकि जो इनका हल्दी का मेन रिचुअल था वो मेरे शादी के समय ही हो गया था। तो सबने लगा लिया और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, फिर मेरी बारी आ गई और मैं चाहती थी मैं लास्ट में जाऊं, ताकि जो जो भी इतना स्मार्ट बन के बैठे हुए हैं ना, मैं वो पूरा रायता फैला दूं। और यहाँ पे पहले मैंने अच्छे से सब कुछ फ़ोटो सेशन करवा लिया, सब अच्छे से क्लीनली हो गया, अब कोई करने लगाने वाला नहीं था। उसके बाद मैंने पूरी हल्दी मल दी, और उसके बाद उनके दोस्त भी लग गए थे उनको पूरा भिगाने के चक्कर में, क्योंकि पर्पज़ तो यही था कि हम लोग को
होली खेलना है। तो जो मिल रहा था, जहाँ मिल रहा था, हम लोग उनके ऊपर ढाल दे रहे थे, क्योंकि दूल्हे बाबू को आज रंगना था पूरा पीला। तो यहाँ पे तो अब पूरा नहा दिया था, ठंड इधर अभी भी हल्का है। फिर हम लोग लग गए थे, उनके दोस्त लोग और मैं, पूरा रंगने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे होली, इधर तो अब कोई खेलता नहीं है लेकिन मुझे होली खेलने में बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ मैं अपना ब्लॉगिंग भी कर रही थी और बीच बीच में जाकर उनको कलर भी लगा रही थी। तो जितना हो सक रहा था, जितना पानी मिल रहा था, सब उनके ऊपर डाला जा रहा था, पूरा पीला कर दिया गया था उनको। और मेरे हस्बैंड साइड साइड में बच रहे थे और मुझे भी बोल रहे थे, सब क्या हो रहा है, इतना हल्दी क्यों लगा रहा है, फोटो से फोटोज़ ख़राब हो जाएंगे। बोले इसी से फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे। फिर मैंने लास्ट में एक गर्म पानी का बकेट डाला ताकि थोड़ा नॉर्मलाइज हो सके, ठंडी बहुत थी अभी। तो फिर उसके बाद हमारा हुआ फ़ोटो सेशन, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी जब भी शादी वाले, हम लोग घर में ना फोटोग्राफर पे बहुत इरिटेट होते हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आएंगे तो बाद में आप ही उन्हें को पैसे देने में किचकिच करोगे। और मुझे भी रंग दिया गया था, मैं भी बची नहीं थी, मेरा पूरा फेस पीला हो गया था। फिर शाम में हो गई मेहंदी की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।